प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर पार्ट 2 है, बालाजी क्लास 12th प्री बोर्ड एग्जाम पेपर का आंसर। जीन क्लोनिंग क्या है? यहाँ पे बताया जीन क्लोनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें एक वांछित जीन किसी वाहक में जोड़ दी जाती है तथा इस प्रकार से बने देख लो डीएनए को किसी पोषक कोशिका में प्रविष्ट करा दिया जाता है। जब इस प्रकार की रूपांतरित व पुनर्योज ठीक है ना कोशिकाओं का संवर्धन किया जाता है तब जीन का ही गुणन होता है, यही जीन क्लोनिंग कहलाता है। जीन क्लोनिंग के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहले जीन क्लोनिंग का उपयोग कई उपयोगी अनुवांशिक गुणों को प्राप्त किया जाता है। दूसरे जीन क्लोनिंग का उपयोग कई प्रकार की दवाइयों के संश्लेषण में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है फिर सहजीविता। सहजीविता क्या है? तो सहजीविता ये दो विभिन्न जीवों के मध्य से संबंध है जिसके फलस्वरूप एक अथवा दोनों ही जीवों को लाभ पहुंचता है तथा किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचती है। इस प्रकार का संबंध दो जीवों के मध्य भोजन आवास तथा परिवहन के रूप में हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर एड्स की रोकथाम के 3 उपाय निम्न है। तो पहला क्या उपाय है? सार्वजनिक अस्पतालों में केवल प्रयोज्य सुइयां और सिरिंज ही काम में लाए जाएं। फिर इसका दूसरा उपाय है रक्त बैंकों इन ब्लड बैंकों के रक्त को एचआईवी से मुक्त करना। तीसरा ये दे सकते हो है ना एड्स की रोकथाम के लिए भी उपयोगी सिस्टम। पैसमांक 16 का उत्तर अथवा जनसंख्या विस्फोट के 3 कारण निम्नलिखित हैं। जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण हैं? तो पहला है जन्म दर में वृद्धि, दूसरा है मृत्यु दर में कमी, प्रजनन दर का उच्च होना, चौथा है निरक्षरता एवं सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों को मानना। ये सबसे ज़्यादा ये है ना जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण ये भी है। पांचवा है निम्न सामाजिक स्तर, छठवा है कम उम्र में विवाह होने से अधिक बच्चे पैदा होना। तो ये प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हो गया। प्रश्न क्रमांक 17 है बायोपायरेसी क्या है? तो ये है किसी देश द्वारा पेटेंट किए गए जैविक संसाधनों का बिना किसी उचित अनुमति से अथवा बिना भुगतान किए चुपचाप या चोरी से उसका उपयोग। बायोपायरेसी या जैविक चोरी कहलाती है। यदि कोई व्यक्ति पहले से पेटेंट की हुई वस्तु या जैव खाद्य का चोरी से उपयोग करेगा तो यह कृत्य बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। 17 के बाद प्रश्न क्रमांक 18 आपका किसी भी परजीवी ट्रांसजेनिक जीव की तरह यह जीवाणु जिसके अनुवांशिक पदार्थों मसूर पदार्थ में कोई भी जाति जीव उपस्थित हो परजीवी जीवाणु कहलाता है। परजीवी लगता है पर समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा। आप पेपर में देख लें क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, यहाँ पर वही पूछा होगा कि परजीवी जीवाणु क्या कहलाता है। क्या है जीवाणु? इस कोलाई में मानव इंसुलिन का जीन प्रविष्ट करा के परजीवी ई कोलाई बनाए गए। यह ह्यूमन इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर जलीय पौधों के विशिष्ट लक्षण क्या क्या है? तो देखो पहला है जड़ों का अत्यंत कम विकसित होना या पूर्ण रूप से अनुपस्थित होना, उदाहरण हाइड्रिला। दूसरे जलीय पौधों में विषमपर्णता पाई जाती है। तीसरा ही आपका जलीय पौधों का तना लंबा बेलनाकार एवं कमजोर होता है। पिस्वंग 20 का उत्तर स्वपरागण व अपरपरागण में अंतर। तो ये आपका रहा पिस्वंग 20 का उत्तर। तो स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प या उसी पौधों के अन्य पुष्प के वर्तिकागण पर जाते हैं। परपरागण में एक पौधे के पुष्प स्वपरागण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकागण पर जाते हैं। ये दूसरा
पे दूसरा अंतर है स्वपरागण। स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और परपरागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। स्वपरागण के फलस्वरूप शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं, परपरागण के फलस्वरूप संकर पौधे प्राप्त होते हैं। चौथा अंतर है स्वपरागण में से पौधों के गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, परपरागण से पौधों के गुणों में परिवर्तन होता है या हो जाता है। पांचवा अंतर है स्वपरागण से उत्पन्न पौधे दुर्बल और अस्वस्थ होते हैं, परपरागण से उत्पन्न पौधे सुंदर और मजबूत एवं स्वस्थ होते हैं। तो और अंतर आप लिख सकते हैं, एक दो उदाहरण भी लिख सकते हैं बीच का आंसर हो, क्योंकि पाँच नंबर का है तो पाँच ही अंतर लिखेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। बाकी और अधिक पाँच छः सात लिखने की कोशिश करें। क्रमांक 21 है डीएनए आरएनए में अंतर। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड। दूसरा अंतर है डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। फिर डीएनए दो स्टैंड वाला होता है और आरएनए में केवल एक स्टैंड होता है। तो ये हो गया क्रमांक 21। और आगे है चौथा अंतर, क्षारकों में युग्मन एवरावर्ती जो होता है इसमें जो भी है, कुछ वायरसों को छोड़कर सभी जीवों का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है और पादप वायरस का अनुवांशिक पदार्थ आरएनए है। तो इसका अंक 22 उत्तर वन्य जीवों की विलुप्ति के कारण इस प्रकार है। तो इसका अंक 22 है वन्य जीवों की विलुप्ति के कारण क्या क्या है। तो पहला है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से विलुप्तिकरण का मुख्य कारण है। इसमें 22 का में इसका दूसरा कारण है वनों की कटाई से वन्य प्राणियों के आवास के अभाव में यह विलुप्त होते जा रहे हैं। तीसरा है उद्योगों की स्थापना तथा विभिन्न रसायनों एवं रोधकों के उपयोग आदि कारण से वातावरण में परिवर्तन से भी कई जीव विलुप्त हो रहे हैं। चौथा है मनुष्य सुरक्षात्मक कारणों से भी वन्य जीवों को मार देते हैं जिस कारण से विलुप्त हो रहे हैं। यह पांचवा है कुछ जंतुओं एवं उनके उत्पादों जैसे हाथी दांत सींग मोती आदि को विदेशों में निर्यात करके इनसे काफी मात्रा में धन अर्जित किया जाता है। तो यह मुख्य कारण है जीवों की विलुप्ति के कारण, और बाकी प्रश्न क्रमांक 22 तक था आपका। तो ये लास्ट प्रश्न है और बाकी हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम @ऑफिशियल विनेश हो, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, उसे चेकआउट एंड टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन हो सकते हैं, उसका भी लिंक दिया गया है। तो वहाँ मैं सब कुछ MP बोर्ड क्लास 9th से 12th तक, बाकी आगे भी क्लासेस अगर चाहते हैं उसका भी मैं सब कुछ वहाँ पर सामग्री भेजता रहता हूँ। आंसर जो भी है प्रश्न आप लोग भेज सकते हैं, उसका मैं आंसर दे देता हूँ, कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।